लखनऊ से खबर है जहां सहकारिता विभाग में दो एडिशनल कमिश्नर का डिमोशन हुआ है। बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। रविकांत सिंह, भूपेंद्र कुमार, ये दो ऑफिसर हैं जिनके ऊपर गाज गिरी है। भ्रष्टाचार के आरोप में यह कार्रवाई हुई है। रविकांत सिंह, भूपेंद्र कुमार पर गाज गिरी है। जांच के बाद गलत पाया गया है और क्या तरीके का यह पूरा घटनाक्रम, मामला क्या है, समझेंगे सहयोगी अनुभव से। क्या है ये पूरा मामला अनुभव? देखिए, लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसके तहत तमाम विभाग काम कर रहे हैं। अलग अलग मंत्री औचक निरीक्षण कर रहे हैं तो कई बार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब सहकारिता मंत्री जो है जेपी राठौर, उन्होंने ये कार्रवाई की है और दो एडिशनल कमिश्नर हैं उनको डिमोट कर दिया है क्योंकि भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप था। गलत तरीके से उन्होंने लोगों को फायदा पहुंचाया था। इसमें पहले यूपी कोऑपरेटिव बैंक के एमडी भी थे, उनका नाम रविकांत है और दूसरे भूपेंद्र कुमार है। इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की गई है। देखिए, मैसेज यही दे रही है सरकार की, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो योगी वन में थी वही योगी टू में भी है। जो भी इस तरह की गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, भले ही वो किसी पद पर रहा हो और चाहे जब उसने गड़बड़ियां की हो, क्योंकि लगातार चीजों का ऑडिट हो रहा है, चीजों की मॉनिटरिंग हो रही है और कुछ भी अगर गड़बड़ी मिल रही है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल अनुभव, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये साफ झलकता है जहां दो बड़े ऑफिसर कमिश्नर हैं और इन पर गाज गिरी है। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। केदारनाथ पहुंचे सीएम धामी ने लिया बाबा का आशीर्वाद। यात्रा तैयारियों और धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे मजदूरों के साथ फोटो भी खिंचवाई। यूपी में बिजली की दरों में 70 पैसे प्रति यूनिट की हो सकती है बढ़ोतरी। बिजली घरों के लिए विदेश से कोयले खरीद की वजह से ये दरें बढ़ सकती हैं। विदेशी कोयले की खरीद से 2900 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ज्ञानखंड एक ही झुग्गियों में लगी भयंकर आग। एक दर्जन झुग्गियां जलकर राख हुई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोएडा के आगापुर गांव में झुग्गियों में लगी आग। 20 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई खाक। आग लगने के बाद झुग्गियों में रखे कई सिलेंडर फटने की आशंका, वजह सामने। ग्रेटर नोएडा में पेपर मिल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग के धुएं से लोगों को हुई परेशानी। घरों से निकलकर सड़कों पर भागे लोग। बादलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। फतेहपुर में शराब माफिया के आलिशान मकान को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। जिले में अवैध जमीन पर कब्जा कर आलिशान मकान बनवाने वालों में हड़कंप मचा। बसपा नेता याकूब कुरैशी की तलाश में दबिश जारी है। मेरठ के भावनपुर में नदीम मेवाती के घर पर पुलिस ने छापा मारा। याकूब कुरैशी के आने की सूचना पर छापेमारी हुई। भावनपुर थाने का स्ट्रीट शूटर है नदीम। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक जारी। कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है। आज से उच्च सदन में दिखेगा भाजपा गठबंधन का दम। नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्यों का आज होगा शपथ ग्रहण। सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा यूपी सरकार के सभी मंत्री होंगे मौजूद। चंपावत में सीएम धामी के सामने मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव की जिम्मेदारी विधायक मनोज तिवारी, कुशाल सिंह को दी है। प्रदेश अध्यक्ष बोले, हम उपचुनाव के लिए हैं तैयार। बलिया पेपर लीक मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय पांडे को निलंबित। 4 साल से पद पर थे तैनात। आजम खान को अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जगी है। जमानत पर अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कपिल सिब्बल ने जस्टिस नागेश्वर राय के सामने केस को मेंशन किया है। बागेश्वर के सिमार गांव में जंगल की आग ने बरपाया कहर। बैजनाथ रेंज के जंगल की आग से गांव में 9 गौशाला और 30 घास के ढेर जले। फायर सर्विस और ग्रामीणों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मेरठ में तेज आंधी के चलते जर्जर तारों से निकली चिंगारी से भड़की आग। गंगानगर थाना परिसर में खड़े वाहनों को आग ने चपेट में लिया। आग लगने से करीब 60 वाहन जले। काफी मशक्कत के बाद यह आग बुझाई गई।
अमेठी के जरौली बड़ गांव में गेहूं की फसल में आग लगी। किसान की 7 बीघा फसल जलकर राख हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। कानपुर के अंबेडकर नगर गुजौनी में ट्रांसफार्मर से भड़की आग, धू धू कर जल उठा ट्रांसफार्मर। जानकारी मिलने के बाद देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। ग्रेटर नोएडा में NH91 पर बाइक में लगी भयंकर आग, देखते ही देखते बाइक जलकर राख हुई। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला। पौड़ी के सोली इलाके में बड़ा सड़क हादसा, बारातियों से भरा वाहन हादसे का शिकार। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। सीएम और राज्यपाल ने शोक जताया। गाजियाबाद गोविंदपुरम इलाके में बच्ची खुले नाले में जा गिरी। रेस्क्यू कर बच्ची को बाहर निकाला गया। आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर बच्ची को नाले से निकाला। कई दिनों से खुला हुआ था ये नाला। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक के पेड़ से टकरा जाने के कारण ट्रक बनी आग का गोला। ट्रक में सवार पुत्र की मौके पर जलकर दर्दनाक मौत। पिता का भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर। ट्रक से कूदकर चालक फरार। लखनऊ में आग लगने का सिलसिला जारी है। बाइक में लगी आग, बूचरी ग्राउंड के पास अचानक बाइक बनी आग का गोला। धू धू कर बाइक चल। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगलों में लगी आग। नारायण बगड़ रेंज के सुमल्टा गांव में जंगलों में भीषण आग। नागनाथ रेंज के गुडम मसौली में भी आग। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी का माहौल। पति पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से गला रेत कर मौत के घाट उतारा गया। खौराबाद थाना इलाके के रायगंज गांव की ये पूरी घटना। मांगलिक कार्यक्रम में जा रहे थे। एक तरफा प्यार के चक्कर में वारदात को दिया अंजाम। आरोपी लड़की को फोन करता था, इसे लेकर युवती के पिता ने उसे समझाया था। ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी आलोक पासवान को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प के बाद फायरिंग हो गई। एक पक्ष ने पिस्टल से फायरिंग कर छात्र समेत 3 लोगों को गोली मारकर जख्मी किया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जुटी हुई है। दुर्गाबाड़ी रोड पर तरंग क्रॉसिंग के पास की ये पूरी घटना। सहारनपुर के रामपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस के रोकने पर फायरिंग बदमाशों ने की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। घायल समेत 3 बदमाश गिरफ्तार। गौकशो के गैंग से महिंद्रा पिकअप गाड़ी, 3 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। गाड़ी से जिंदा गौवंश और गौकशी के उपकरण भी मिले। घायल बदमाशों पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। आगरा के थाना बलपुरा पुलिस के बदमाशों से हुई मुठभेड़। महेंद्र लोधी नाम का बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश का दूसरा साथी फरार। पास से हथियार बाइक बरामद। लखनऊ के विशेष खंड इलाके से जीएसटी टीम की छापेमारी की खबर आई सामने। शीशा कारोबारी के कई ठिकानों से बिल, बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। सूत्रों के हवाले से खबर। शिकायत मिलने पर पहुंची थी स्टेट जीएसटी की टीम। भूमाफिया यशवंत तोमर पर हरिद्वार के बाद बागपत में भी कार्रवाई शुरू। पुलिस प्रशासन ने यशपाल तोमर के गांव में उसके 2 प्लॉट और कृषि भूमि को कुर्क कर सील किया। सीतापुर में आपराधिक कृत्यों से अर्जित 1,03,00,000 की संपत्ति को जब्त किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई जब्तीकरण और कुर्की की कार्रवाई। अभियुक्त मुजीब अहमद संगठित गिरोह बनाकर अपने गैंग के सदस्यों के साथ करता था अपराध। फतेहपुर में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 8 सटोरियों को क्राइम ब्रांच और बिंदकी पुलिस ने घेरेबंदी कर गिरफ्तार किया। पकड़े गए सटोरियों के पास से 26,900 कैश, पर्ची सहित लैपटॉप बरामद। कानपुर में सीबीआई ने भविष्य निधि कार्यालय में रंगे हाथों प्रवर्तन इंस्पेक्टर को किया है गिरफ्तार। इंस्पेक्टर स्कूल संचालक से 5 लाख की घूस की कर रहा था डिमांड। गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट हुई। पेट्रोल को लेकर पंप कर्मियों से विवाद के बाद मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। दबंग छात्रों के परिजनों ने लाठी डंडों से छात्रों की जमकर की पिटाई। वर्चस्व को लेकर छात्रों के गुटों में चल रहा था विवाद।
बड़ी खबर मिल रही है मेरठ से, जहां मवाना रोड को चौड़ा करने के लिए, चौड़ीकरण के लिए घरों पर अब एक्शन लिया गया है। लोगों के विरोध के बावजूद भी अभियान चलाया गया है। आपको बताएं, लोगों ने मुआवजा लेने के बाद भी ये निर्माण नहीं हटाया, तो अब इस पर एक्शन लिया गया है। मवाना रोड पर 4 लेन का काम चल रहा है और इस दरमियान जो घर आए हैं उन्हें मुआवजा तो मिला, लेकिन अभी भी वहां पर विवाद है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का और उनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर मुआवजा मिलने के बाद, नोटिस मिलने के बाद भी घरों को हटाने का ये जो काम था वो प्रशासन को इस तरीके से क्यों करना पड़ रहा है। ये तमाम चीजें, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। हम ग्राउंड से ही समझने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी सनुज से कि आखिरकार क्या चीजें चल रही हैं। सड़क को चौड़ा लोगों के लिए किया जा रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है जिसपे रफ्तार बढ़ेगी विकास की, लेकिन इसमें रोड़ा ऐसे जो मकान थे उनको मुआवजा दिया गया था। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज का, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और हमें बताएंगे भी सनुज की क्या सिचुएशन है वहां पर। मैं बताना चाहूंगा कि NHAI की करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो बुलडोजर है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें देख लीजिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि ये मवाना रोड के जो रजपुरा जगह पड़ती है वहाँ पर किस तरीके से इन निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये मवाना रोड है, इस मवाना रोड का चौड़ीकरण होना है और 45 मीटर है सड़क के दोनों तरफ जो चौड़ीकरण होना था, इन लोगों को बाकायदा यहाँ पर मुआवजा भी दे दिया गया था, लेकिन मुआवजा मिलने के बाद इन लोगों ने निर्माणों को नहीं हटाया था। करीब 100 से ज़्यादा जो निर्माण बताए जा रहे हैं उन पर आप ये देखिए कि जो बुलडोजर है वो पूरी अपनी रफ्तार से गरज रहा है। खाली एक यही बुलडोजर नहीं है बल्कि आधा दर्जन से जो ज़्यादा बुलडोजर हैं वो यहाँ पर NHAI के लगाए गए हैं। आसपास के कई थानों से भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलाया गया है और पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो आज यहाँ जो भी निर्माण इस चौड़ीकरण में बाधा बने हुए हैं उन सबको यहाँ पर गिरा दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। हम यहाँ पर जो SDM है, SDM से बात कर लेते हैं। SDM है संदीप भांगे जी, उनसे बात करेंगे। सर, एक थोड़ा सा जानना चाहूँगा क्या अभियान चल रहा है। अभियान नहीं चल रहा है यहाँ पर, NH 119 का पैसा वैसा दे चुके हैं, अवार्ड हो चुका है, पैसा दे चुके हैं, बट पोजेशन नहीं दिया जा रहा था, तो आज पोजेशन लेने की कार्रवाई हो रही है। अच्छा अच्छा, कितने ऐसे निर्माण हैं सर जो बाधा बने हुए थे चौड़ीकरण में? यहाँ से लेकर 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अच्छा, जहाँ पर ये प्रॉब्लम है आज सॉल्व करवा रहे हैं उस चीज़ को। अच्छा, सबको हटाया जाएगा। देखिए सभी को हटाया जाएगा, सीधा कह रहे हैं। मैं और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये वाला तो देखा आपने, एक बुलडोजर यहाँ पे काम कर रहा है और ये दो बुलडोजर देखिए, ये दो बुलडोजर जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। बहुत बड़ा जो ये अभियान है आज यहाँ पर NHAI की तरफ से शुरू किया गया है वो देखिए। कुछ लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे और उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए बहुत जबरदस्त और बड़ा अभियान यहाँ मेरठ में मवाना रोड के चौड़ीकरण का यहाँ पर चल रहा है। पुलिस देखिए घरों में भी दाखिल हो रही है और यहाँ से लोगों को बाहर निकाल रही है इन अभियान को, चूंकि ये लोग कुछ रोड़ा बने होते। देखिए एक शख्स बोला वो जबरदस्त यहाँ पर विरोध कर रहा था और पुलिस उसे पकड़कर यहाँ से ले जा रही है। बाकायदा इन लोगों को जब मुआवजा दे दिया गया था तो इन लोगों को यहाँ से जो अतिक्रमण है वो हटा लेना चाहिए था, इन निर्माणों को हटा लेना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं हटाया। दूसरी तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा कि देखिए जो पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स यहाँ कई घरों के भीतर दाखिल हो गई है और जो लोग विरोध कर रहे थे उनको यहाँ से घर के भीतर से निकाल कर लाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा कि जरा सत्येंद्र दिखाए, ये तमाम वो निर्माण हैं जो बाधा बने हुए थे और उनको यहाँ से हटाया जा रहा। देखिए ये कुछ लोग हैं विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। महिलाएँ हैं, कह रही हैं कि हम अपना निर्माण हटा लेंगे, लेकिन एक साल से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका था, बावजूद इसके निर्माणों को नहीं हटाया गया और आखिरकार आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टीम है वो यहाँ पर चौड़ीकरण का जो काम है उसमें बाधा बने निर्माणों को हटा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जब इसका चौड़ीकरण होगा तो चौड़ीकरण होने के बाद जो विकास की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। यहाँ से जब बिजनौर जाना पड़ता था तो कई बार लोगों को तमाम दिक्कतें और मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और इसीलिए इसके चौड़ीकरण की, देखिए एक बड़ा निर्माण और यहाँ पर जो बुलडोजर है उसकी तरफ से गिरा दिया गया है। कई और बुलडोजर इसी कार्रवाई में यहाँ पर लगे हुए हैं। ये मकान जो है ये देखिए, इस मकान पर भी बुलडोजर चलने वाला है। एक और मशीन देखिए यहाँ पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए ABP गंगा पर कि जो एक और बड़ी जो बुलडोजर है वो यहाँ पर बुला लिया गया है और ये भी इन मकानों पर गर्जेगा। करीब 2 से 3 किलोमीटर तक के ये निर्माण है कि जिन पर आज ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पहले ही लोगों को बाकायदा नोटिस दे दिए गए थे। देखिए अब तक जो है करीब 50 से ज़्यादा जो निर्माण है उन पर ये बुलडोजर गरज चुका है और उनको गिराया जा चुका है। आगे आगे ये अभियान जारी है और मवाना रोड पर रजपुरा में
ये फिलहाल जो अभियान है वो यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए ये वाला जो निर्माण है, इस निर्माण को भी अब गिराया जाएगा और इसकी जो कार्रवाई है वो जल्द यहाँ पर अमल में लाई जाएगी। बाकायदा NHAI की कई टीमें हैं, करीब 8 से 10 थानों की जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और ये अभियान आज शाम तक चलने की जो बात है वो इन अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है। आप देख लीजिए ये बड़ा जो मकान है, देखिए इसको भी धराशायी करने के लिए जो बुलडोजर है वो आगे बढ़ चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ABP गंगा पर देख सकते हैं। ये ममाना रोड पर NHAI के चौड़ीकरण को लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। लोगों को मुआवजा भी दे दिया गया था। करीब 3 से 4 किलोमीटर तक के जो बीच में रोड़ा बने हुए मकान है, दुकान है या और भी कोई ऐसे निर्माण है, उन सब पर यह कार्रवाई की जा रही है। देखिए किस तरीके से जो बाबा का बुलडोजर है वो यहाँ पर गरज रहा है। कई बार चेतावनी देने के बावजूद ये लोग जब नहीं जागे तो फिर यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। तस्वीरें आप देख लीजिए, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरज रहे हैं। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और उनको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस सीधा कह रही है कि जब आप लोगों को नोटिस दे दिए गए थे, आपको मुआवजा दे दिया गया था, तो ये निर्माण खुद हटा लेने चाहिए थे, लेकिन जब इन लोगों ने नहीं हटाए तो आप देखिए कि इस मकान को यहाँ बाकायदा गिराया जा रहा है और एक दूसरी JCB और आ गई है। अब ये 7 जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर बहुत तेजी से गरजेंगे। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बिल्कुल हमारे सहयोगी सनुज लगातार ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप ममाना रोड से, जहां आप देखिए दर्जन भर बुलडोजर सक्रिय हैं। 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और इस बीच में जितने भी कंस्ट्रक्शन है, जितने भी मकान दुकान या दूसरे निर्माण है उनको ध्वस्त किया जाएगा। मौके पर बड़ी पुलिस फोर्स तैनात है शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सड़क को चौड़ा करना क्यों जरूरी था, बगल से लगातार ट्रैफिक चल रहा है और हमारे सहयोगी सनुज इसी मौके पर इसी जगह से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सनुज देखिए बगल से ट्रैफिक भी जा रहा है और निर्माण को गिराने का भी काम चल रहा है, इससे पता चलता है कि सड़क को चौड़ा करना बेहद जरूरी था। देखिए ये ममाना से जब हम बिजनौर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में कई जगह अवरोध पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ अक्सर जाम लगा रहता था और इसीलिए इसके चौड़ीकरण का जो प्रस्ताव है वो पास किया गया था। करोड़ों रुपए का जो मुआवजा है वो इन लोगों को बांटा गया और 45 मिनट दोनों तरफ अगर ये सड़क चौड़ी हो जाएगी, 45 मिनट चूंकि बीच में एक निर्धारित स्थान डिवाइडर का लेने के बाद 45 मीटर जो रोड है वो इसको यहाँ पर चौड़ा किया जाएगा और उसके बाद इस पर जो वाहन है वो बहुत तेजी से रफ्तार आप पकड़ेंगे। यहाँ से होते हुए आपको ममाना बिजनौर या उससे आगे भी कहीं जाना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे के रास्ते में जो कई बाधाएं थी उनको पार कर लिया गया था, लेकिन चूंकि मेरठ सिटी से करीब 8 किलोमीटर चलते ही जो ये रजपुरा इलाका पड़ता है, यहाँ के निर्माणों को इन लोगों ने मुआवजा लेने के बाद तोड़ा नहीं था और आखिरकार आज यहाँ पर जो बड़ा अभियान है वो शुरू कर दिया गया है। अब मैं एक और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ जो पुलिस फोर्स है, भारी पुलिस बल मौजूद है, आसपास के थानों से जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर बुला लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है, एक जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरज रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए कि जो 3 बुलडोजर है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के यहाँ पर भी निशान लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर भी जो निर्माण है वो नहीं हटाया गया। उससे आगे आपको और दिखाना चाहूँगा कि देखिए एक और वो बड़ा निर्माण है, देखिए वो गिराया जा रहा है। 2 JCB वहाँ पर लगी हुई हैं, 2 बुलडोजर वहाँ पर लगे हुए हैं, पूरी मजबूती से ये बुलडोजर यहाँ पर गरज रहे हैं और चुन चुन कर जो भी निर्माण है उनको यहाँ पर गिराया जा रहा है। मेरठ में अभी तक इस तरह का जो बड़ा अभियान है वो आज से 12 साल पहले चला था कि जब मेरठ दिल्ली देहरादून हाईवे के चौड़ीकरण का जो काम है वो मेरठ विकास प्राधिकरण ने किया था, लेकिन आज 12 साल बाद ये अभियान अब इस बार NHAI की तरफ से शुरू किया गया है। ये देखिए कि जो बड़े और पक्के निर्माण हैं ये सब चौड़ीकरण में बाधा बने हुए थे, इन सबको गिराया जा रहा है। 3 जो बुलडोजर हैं वो पीछे की तरफ गरज रहे हैं और 2 बुलडोजर यहाँ पर गरज रहे हैं और 3 बुलडोजर जो तीसरी स्थान है वहाँ पर गरज रहे हैं। एक एक निर्माण को आप देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है, किसी को आज रियायत नहीं दी जा रही है। चूंकि बताया ये जा रहा है कि 1 साल से ज्यादा का जो वक्त है वो बीत चुका था, ये लोग मुआवजा ले चुके थे, इनको नोटिस दे दिए गए थे, बाकायदा जो निशान है वो लगा दिए गए थे। और देखिए एक और जो JCB है, एक और जो बड़ा बुलडोजर है वो देखिए ये आ गई है, यहाँ ये स्पेशल बुलाई गई है और यहाँ जो बड़े कई बड़े निर्माण है कि जहाँ तक इस बुलडोजर का शिकंजा या पंजा नहीं पहुँच पा रहा था वहाँ उन निर्माणों को करने के लिए ये बाहर से बड़ी जो बुलडोजर मशीन है इसको बोला गया है, इसको बड़ी पोर्कलैन मशीन बोला जाता है और इसका शिकंजा बड़ा मजबूत होता है और करीब 20 से 25 मीटर की दूरी तक ये जो कार्रवाई है उसको अमल में ला सकती है। ये देखिए
अभी अभी ये यहाँ पर उतरी है और उसके बाद अब ये कार्रवाई को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आ गई है। ये एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ मवाना रोड के चौड़ीकरण का जो काम है, एक प्रस्ताव रखा गया था, प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद करोड़ों रुपए का मुआवजा बांटा गया, लेकिन ये लोग लंबे समय से लापरवाही बरत रहे थे। और अब जैसे ही योगी सरकार आई, पुलिस प्रशासन से बात किया गया और कई थानों की फोर्स बुलाने के बाद एक बड़े अभियान, हालांकि इस अभियान को गुपचुप रखा गया था, कल तक कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन इतना जरूर पता लग रहा था कि कोई बड़ा अभियान यहाँ पर चल सकता है। और आज इस बड़े अभियान की जो शुरुआत है वो यहाँ पर कर दी गई है। एक एक करके जो बड़े निर्माण, आप देखिए कि एक साथ 3 बुलडोजर यहाँ इस निर्माण को गिराने में लगे हुए हैं। पेट्रोल पंप के ठीक बराबर का ये निर्माण है जिसको यहाँ गिराने की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। और ये बड़ी पोर्टलैंड मशीन बोला जाता है, करीब 15 से 20 मीटर दूरी तक आप देखिए कि जिसका जो पंजा है वो काम करता है और मिनटों में बड़े बड़े पक्के निर्माणों को ये जमींदोज कर देती है। बहुत बड़ा अभियान देखिए, एक बुलडोजर आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया गया, बल्कि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो पुलिस फोर्स है, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी गई है। मेरठ शहर से भी जो फोर्स है उसको भी यहाँ पर बुला लिया गया है। आप देखिए ये बड़ी जो पोर्टलैंड मशीन है वो यहाँ पर गरजना शुरू हो गई है और कुछ ही देर में इस निर्माण को यहाँ पर धराशायी कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें, आप ये देखिए करीब अब 7 से ज़्यादा जो बुलडोजर हैं वो यहाँ पर इन अवैध निर्माणों को धराशायी करने का काम कर रहे हैं। देखिए ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अगर इस मवाना रोड का चौड़ीकरण हो जाएगा तो वाहन बहुत रफ्तार भरेंगे और बिजनौर तक जाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक लोगों को जाम की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जब चौड़ीकरण हो जाएगा तो वाहन बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। मवाना के बीच में काफ़ी जो रास्ता है वो बन भी चुका है। देखिए एक और बुलडोज़र अब यहां पर आ गया है और ये बुलडोज़र भी यहां पर जो चौड़ीकरण में बाधा बने हुए निर्माण हैं उनको गिराने के लिए कर रहा है। अब तक मेरठ विकास प्राधिकरण इस तरह की बड़ी कार्रवाइयाँ करता था, लेकिन जिस तरीके से विकास रफ्तार बढ़ रहा है योगी राज में कहा जाता है, और अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो तमाम वाकई सनोज, ना सिर्फ बुलडोजर, जेसीबी, पोकलैंड मशीन और हाईटेक मशीन्स इस वक्त दिखाई दे रही हैं मवाना रोड पर। जिस तरीके की तस्वीरें हमारे सहयोगी सनोज के कैमरे से इस वक्त दिखाई दे रही है, वाकई एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई कैसी होती है इसका अंदाजा हमारे दर्शकों को जरूर लगा है।